नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ से एक बेहतरीन पहल की शुरुआत की है, जहां न्याय के लिए एक तरफ महिला हेल्प डेस्क, वुमेन हेल्पलाइन और पिंक चौकियों को सबकी सुविधाओं के लिए बनाया गया है, तो प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। और कैसरबाग कोतवाली में DCP वेस्ट सोमेन वर्मा द्वारा फीता काटकर डेस्क का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उनके साथ ADCP वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा समेत तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जहां ट्रांसजेंडरों में न्याय को लेकर हमेशा से दुविधा की स्थिति बनी रहती है, तो वहीं अब शासन और पुलिस की इस पहल से ट्रांसजेंडर खेमे में उम्मीद भी जागी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ पर आके मुझे यहाँ पूरी मदद मिलेगी और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मुझे यहाँ पता है तो मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ मेरा पूरा काम अच्छे तरीके से होगा। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं न्याय मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, योगी सर साथ में तो न्याय तो मिलना ही मिलना है। पुलिस से मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, अभी भी साथ देंगे, अच्छे से पूरी तरीके से साथ देंगे, मदद करेंगे मेरी। मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ जी, बहुत अच्छी सुविधा दी मुझे और जो है यही योगी जी से मेरा नमस्कार है और सुविधा देते रहे सबको। पहले हम लोग को बड़े धक्के खाने पड़ते था, कोई हमारी मदद नहीं करता था और कोई हम लोग के बारे में सुनता नहीं था। अब मुझे बहुत खुशी है, योगी जी को मेरी तरफ से नमस्कार। क्रम में कि प्रत्येक थाने पर ट्रांसजेंडर की समस्याओं के निदान हेतु एक अलग से डेडिकेटेड एक कक्ष बनाया जाए, एक हेल्प डेस्क बनाया जाए, यह आदेश यहाँ प्राप्त हुआ था। और उस आदेश के क्रम में पुलिस कमिश्नर महोदय की प्रेरणा से यहाँ पे कैसरबाग में लखनऊ कमिश्नरेट का और संभवतः यूपी का प्रथम ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क है और यह 24/7 काम करेगा। यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर और जो उनके सहवर्ती स्टाफ है वो कंटिन्यू यहाँ मौजूद रहेंगे। लखनऊ पुलिस और सरकार की तरफ से एक शानदार पहल की गई है, ट्रांसजेंडरों के लिए एक हेल्पलाइन हेल्प डेस्क खोला गया है। हमारे साथ ADCP वेस्ट हैं चिरंजीव सिन्हा जी, इनसे ही बात करते हैं। सर, आप लोगों ने आज लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है, ट्रांसजेंडर जो हेल्प डेस्क है सर पहली बार प्रदेश में ये खोला गया है, किस तरह से आप इसके बारे में बताएं? देखिए, शासन की प्राथमिकता है कि ट्रांसजेंडर्स समुदाय के व्यक्ति राष्ट्र के मुख्य धारा में आए और इसी क्रम में हर थाने पर एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क हो जो ट्रांसजेंडर की समस्याओं को सुन सके, उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण एवं समाधान करा सके और वो भी गरिमा एवं सम्मान के साथ, ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में कैसरबाग थाने से यह एक शुरुआत की गई है और हम यहाँ पे 24/7 की ये व्यवस्थाएँ सर सुनिश्चित करेंगे। कभी भी वो आ सकते हैं, महिला उप निरीक्षक एवं आरक्षियों को यहाँ तैनात किया गया है, अलग से डॉक्यूमेंटेशन होगा और ये सिंगल विंडो सिस्टम होगा। सर, ये जो अभी हेल्प डेस्क खोला गया है इसमें महिलाओं के अलावा क्या पुरुष भी डिप्लॉय किए जाएंगे? ये देखा जाएगा, अभी तो शुरुआत की गई, अभी तो चूँकि जो हमारी महिला उपनिरीक्षक हैं वो काफ़ी योग्य और समर्थ हैं, मिशन शक्ति का समय है और निश्चित तौर पे वो ज़्यादा अच्छे ढंग से इस काम को देख सकेंगे, इसके लिए अभी तो हमने उनको तैनात किया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शानदार पहल के लिए? क्या ये शानदार पहल को लगातार कंटिन्यू होना चाहिए? निश्चित, ये आगे भी जारी रहेगा, उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स की समस्याओं का समाधान करा सकें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ADCP वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है, पुलिस की बहुत ही अच्छी पहल है जो कि ट्रांसजेंडर के लिए एक हेल्प डेस्क खोला गया और इसे आगे भी तमाम थानों में खोला जाता रहेगा। कैमरामैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। पुलिस के लाख दावों के बावजूद भी रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का कारोबार जोरों शोरों पर चल रहा है। खुलेआम लोग कच्ची शराब का सेवन करते नजर आ रहे हैं। खीरो थाना क्षेत्र के कई गांव में अवैध शराब का धंधा जोरों शोरों पर चल रहा है और बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय सिपाहियों की मिलीभगत से अवैध धंधा फल फूल रहा है। खुलेआम बाजारों में अवैध कच्ची शराब बेची जा रही है जिसे पीने के बाद लोगों की जिंदगियां और घर भी तबाह हो रहे हैं। और चौधराइन मजरे बरौला गांव की बाजार का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से खीरो क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार जोरों शोरों पर चल रहा है और जनपद के लोग उस शराब का सेवन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए तो बीते दिनों प्रदेश के कई जनपदों से ऐसी खबरें भी सामने आई थी जहां अवैध शराब पीने के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। कितने
लोगों के सर से, कितने बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया था, कितने लोगों का चिराग उजड़ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी रायबरेली में एक ऐसा वीडियो फिर से वायरल हो रहा है जहां अवैध कच्ची शराब का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है और लोग उसका सेवन करने के बावजूद अपने जिंदगियों के साथ साथ अपने परिवार की भी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता अजय प्रताप जुड़ चुके हैं। अजय, एक रायबरेली से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अवैध कच्ची शराब का लोग सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अजय, मामला बताया जा रहा है चौहरानपुर मजे बरौला गाँव का बताया जा रहा है, पड़ता है रवि के यहाँ पर कच्ची शराब देखते हैं नजर आ रहे हैं लोग और पैसे रहते हुए आईए में घर घर जा रहा है वीडियो में ये जो है आईए में लेते हैं और जो मैं पीऊंगा और उसका टाइम मारते हैं सो रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई क्षेत्रों में जो है कच्ची शराब भेजी जा रही है, खरीदी जा रही है, बनाई जा रही है, इस पर पुलिस जो है ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस पर सेल नजर आते हैं प्रशासन आए दिन, इतना इसके कुछ दिन पूर्व जो है हादसा भी हो गया था, दो तीन लोग इससे एक्सपायर पे कर गए थे, उसके बाद भी अभी तक पुलिस एक्शन मोड में नहीं आई। आज अगर देखा जाए तो अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लेकिन आबकारी विभाग ने अभी तक जनपद में अपनी आंखें क्यों मूंद रखी हैं? इसके सामने बता दो आपको कि जिस तरीके से बताया गया है कि पुलिस विभाग की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक निर्देश किया है कि जो थाना अध्यक्ष को निर्देश कर दिया गया है कि कार्रवाई की जाए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वास्तविक लापरवाही बरती जा रही है क्योंकि वीडियो कल का वायरल हुआ है और जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वीडियो जो है महिला जो है जबकि गांव ओपन भी हो चुका है उसके बाद भी पुलिस वहां पर पकड़ नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही। आज अगर देखा जाए तो अगर इस शराब को पीने के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, तो फिर आखिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी, कौन होगा उस मौत का जिम्मेदार? अगर देखा जाए तो इसकी जिम्मेदारी अपने प्रशासन ही होगा क्योंकि लोग जब विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव बनाकर उनको बैठा दिया जाता है और देखा जाए तो जो मजदूर होते हैं, जो आम जनमानस होते हैं, इनको जो बोलने का वो होता है वो आवाज उठा नहीं पाते, इसलिए दबा दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है पुलिस प्रशासन पूरे रूप से जिम्मेदार है और हल्के में जो सिपाही होते हैं, जो हल्के इंचार्ज होते हैं, उनकी ना कहीं ना कहीं मिलीभगत से ही ये काम होता है और बिना मिलीभगत के कुछ होता नहीं। जी धन्यवाद अजय प्रताप इस खबर पर जुड़ने के लिए। हरदोई में शहर कोतवाली क्षेत्र के लाल पारपुर में पीड़ित ने प्रधान और पांच अन्य लोगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसकी जमीन पर कूड़ा डालकर कब्जा कर लिया है और पीड़ित ने जिसकी शिकायत चौकी प्रभारी से लेकर एसपी डीएम से भी की लेकिन मामले में पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पीड़ित और उसके भाई ने संबंधित अधिकारियों पर भी मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह अधिकारियों पर भी एक पीड़ित ने मिलीभगत का आरोप लगाया है और जमीन पर प्रधान ने कब्जा किया है। इस मामले पर पीड़ित ने कहा कि उसने दर दर भटककर न्याय की गुहार लगाई लेकिन उसके बावजूद भी उसे कहीं कोई न्याय नहीं मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता हर्षराज जुड़ चुके हैं। हर्षराज, अगर देखा जाए तो पीड़ित की जमीन पर प्रधान का कब्जे की खबर निकल के सामने आ रही है जबकि इस मामले पर अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं करते नजर आ रहे, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा? आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के लाल पालपुर का मामला है, यहाँ के जो प्रधान है बहुत ही दबंग किस्म के हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं बहुत ही बुजुर्ग हैं, गरीब हैं। इनका आरोप है कि मेरी जमीन है जो पट्टा हुआ है 629 नंबर पट्टा है और इनके पिताजी की मौत के बाद प्रधान ने इनकी जमीन इन कब्जा कर ली है और घर में इनका टूटा फूटा ऐसे ही जो हर्षराज, अगर देखा जाए तो अब पीड़ित आगे एक्शन क्या लेगा क्योंकि ना डीएम उनकी सुनवाई कर रहे हैं ना पुलिस सुनवाई कर रही है, तो अब आखिर डीएम किसके पास जाके कि अब आखिर जो पीड़ित है वो किसके पास जाके न्याय की गुहार लगाएगा? मैं कई बार बता चुका हूँ यहाँ के सीडीओ डीएम और ये कप्तान साहब कुछ नहीं सुनते हैं, अगर की ठोकरे खा रहा है जबकि पीड़ित का मामला सही है, अधिकारियों को संज्ञान लेके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब अगर जब कार्रवाई नहीं की जा रही है तो पीड़ित का अगला कदम क्या होगा, क्या वो न्यायालय पहुंचकर गुहार लगाएगा? जी, ज्यादातर मामले अब हरदोई जिले के जो भी आ रहे हैं न्यायालय के दरवाजे खटखटाकर तभी उनको कुछ ना कुछ राहत मिल रही है लेकिन यहाँ के आला अधिकारी बिल्कुल फरियाद सुनी नहीं जा रही है उनकी। हर्षराज, अक्सर हरदोई से ऐसी खबर हमने आती हुई सुनी है कि पुलिस की कार्यशैली पर अक्सर सवालिया निशान खड़े होते हैं, जब इतनी खबरें सामने आती है तो आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जाती है?
पीड़ित जो है जो थाने पे जाता है, थाने पे कोई सुनवाई नहीं होती है, वहाँ के एसएचओ वगैरह है वहाँ पे बैठा के थोड़ा बहुत गुमराह करके उसको भेज देते हैं। पीड़ित यहाँ पे जिले पे जब आता है कप्तान साहब से मिलता है, कप्तान साहब फिर लिख के वहीं थाने पे भेज देते हैं, मामला वहीं का वहीं उलझा रहता है, कोई सुनवाई होती ही नहीं है। धन्यवाद हर्षराज सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजियाबाद के लोनी इलाके में रूटीन चेकिंग चल रही थी, तभी पुलिस को एक कार आती हुई दिखाई दी और कार को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने कार सवार को रोकने का इशारा किया। इस बीच कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया और पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम रवि बताया। आपको बताते चले कि बदमाश पर गाजियाबाद में 25,000 का इनाम है और दिल्ली एनसीआर में कई मुकदमे भी दर्ज है। फिलहाल बदमाश को अस्पताल में उपचार के लिए पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। रोज की भांति आज एसओजी देहात और थाना लोनी की पुलिस की टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन और ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध वाहन चार पहिया सेंट्रो सफ़ेद रंग की आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो ये सबलूगढ़ी रोड पे काफ़ी तेज़ी से गाड़ी मोड़ करके और भागने का प्रयास किया, जिसपे थाना लोनी और एसओजी देहात की टीम द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया। कुछ दूर आगे चल करके गाड़ी अवरुद्ध हो गई, उसमें से एक संदिग्ध व्यक्ति निकला जो कि पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि बदमाश घायल हुआ। खबर सुल्तानपुर से है, जहां की लंबुआ पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। दरअसल लंबुआ थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे में रहने वाले राकेश अग्रहरी ने करीब एक महीने पहले 19 मई को अजय कुमार और विजय कुमार से अपनी पत्नी के नाम बैनामा लिया था। इस मकान पर पड़ोस के रहने वाले शिव शंकर भी निगाह बनाए हुए थे, जिसके चलते दुकान का खराब सामान और कबाड़ के घर के सामान में रखा जाने लगा। इन्हीं सब से परेशान कंचन के पति राकेश ने लंबुआ पुलिस से शिकायत की और महिला और पुरुष सिपाहियों के साथ साथ कई डबल स्टार दरोगाओं ने अपना असर दिखाना शुरू किया और दुकान के सामने रखा कबाड़ और खराब सामान हटा दिया गया और दबंगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। खबर वाराणसी से है, जहां नमामि गंगे गंगा विचार के प्रत्येक दिन 3 घाट स्वच्छता अभियान के क्रम में राणा महल घाट से दिगपतिया घाट तक स्वच्छता हेतु लोगों को जागरूक किया गया। संस्थान के सदस्यों ने प्रत्येक घाटों पर गंगा तलहटी में उतरकर कूड़े कचरे बाहर निकाले। महानगर सह संयोजक ने बताया कि नाव के आसपास गंदगी दिखाई देने पर नाविकों से सफाई बनाए रखने का आग्रह किया गया। साबुन शैंपू लगाकर स्नान कर रहे लोगों को भी सख्त हिदायत दी गई। 64 घाट पर गंगा तलहटी सहित गंगा घाट पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं दिखाई पड़ने पर नियमित स्थानार्थियों को संस्था की ओर से साधुवाद दिया गया। स्थानार्थियों ने बताया कि रोजाना स्नान से पहले वो स्वयं सफाई करते हैं, तो वहीं श्रमदान के दौरान महानगर सह संयोजक, मंडल संयोजक आदि उपस्थित रहे। आज प्रत्येक दिन 3 घाट स्वच्छता अभियान के तहत माणिकुट्टा घाट के ठीक बगल में सिंधिया घाट पर अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आप देख रहे हैं बहुत सारे मात्रा में हम सभी ने मिलकर श्रमदान किया है और प्रत्येक दिन 3 घाट स्वच्छता अभियान के तहत 3-3 घाटों की एक क्रम बना करके एक स्वच्छता अभियान की जो टोली है, युवाओं की जो टोली से महिलाएं भी शामिल हैं, हम लोग प्रत्येक दिन 3-3 घाटों पर उपस्थित होकर के जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अर्चना मैम, गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र में जहां एक तरफ पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोनी कोतवाली क्षेत्र के जाओ शकलपुरा मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल सवार 6 बदमाशों ने दिल्ली से लौट रहे एक युवक पर हमला बोल दिया और हथियार के बल पर बदमाशों ने युवक से 15,000 रुपए लूट लिए। बाद में मामले की सूचना पर मौका मिलते ही पहुंची पुलिस, लेकिन पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रही।
मैं घर आ रहा था मेरा दोस्त छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के उसके घर, और सबलपुरा के स्कूल है मतलब मंदिर के पास, तो वहाँ पे 6-7 बंदे खड़े थे, उन्होंने तो बाइक में टक्कर मारी और मतलब मेरे को वार किया और बाइक छीनने की कोशिश करी और मेरे 15,000 रुपये निकाल लिए और मतलब पिस्टल से कट्टे से जिससे मेरे सर में मारा। पिस्टल कितने लोगों पर थी? एक ही भी एक ऐसी 19-20 साल के लड़के थे। कितने पैसे वगैरह आपसे छीने? 15,000। खबर देवरिया से है जहां के भीखमपुर रोड अंबेडकर नगर में किराए के मकान में रहने वाले आनंद ईंट भट्टे पर मुंशी का कार्य कर अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। जब उन्हें व उनके परिवार के लोगों को पता चला कि आनंद की दोनों किडनी खराब हो गई है, तभी से आनंद घर पर रहकर किसी तरीके से परिवार का गुजारा कर रहे हैं। तो वही आनंद ने सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से वरिष्ठ जनों और जनप्रतिनिधियों से मदद करने की भी गुहार लगाई है। करीब करीब 6-7 महीना हो रहा है इनके इलाज जो है, किडनी का प्रॉब्लम हो गया है और आर्थिक स्थिति जो हमारी जो है ना, थोड़ा बहुत चलता था लेकिन अब एक पान की दुकान किए हुए थे वो भी अब टूट गया है नगर पालिका के माध्यम से, और वो भी जो है जीविका जो है समाप्त हो चुका है। क्या चाहते हैं आप? हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो है दवा वगैरह का कुछ सहयोग आम जनता से और लोगों से भी, चाहे वरिष्ठ नेताओं से सहयोग मिल जाए। खबर मैनपुरी से है जहां एसडीओ संतोष सिंह के नेतृत्व में इटावा रोड पर बिजली चेकिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें कई लोग बिजली चोरी करते हुए पाए गए, जिसको लेकर एसडीओ ने बताया कि इटावा रोड पर मौके बिजली चोरी करने वाले लोगों की हमने जांच की है, उसमें कुछ लोगों की केबल काट ली गई और उन्हें हिदायत दी गई है कि वो आगे से बिजली चोरी जैसे गलत काम ना करें। शिकायत आई थी, शिकायती पत्र मेरे पास आया था बिजली चोरी के संबंध में, हमारे एमडी साहब के यहाँ से आया था, तो उसमें हमने जब जाकर के मौके पर जांच की तो 2-3 लोग चोरी करते पाए गए, मीटर के अलावा सिर्फ केबल जोड़ करके चोरी करते पाए गए, जिसकी वैधानिक जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी, अभी चेक रिपोर्ट करके FIR इनकी दर्ज करा दी जाएगी, जिससे लोगों में बिजली चोरी का भय व्याप्त हो और बिजली चोरी ना कराए। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।